बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप जब अपने घर से बाहर निकलें तो आपने अक्सर अपने मोहल्ले में देखा होगा कि एक दुकान होगी, उस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगी होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जो है रोड पर बैठी होंगी। इस तरह महसूस होगा कि जैसे ख़वातीन को भिखारियों की तरह बिठाया गया। जब आप पता करेंगे तो आपको मालूम ये होगा कि ये ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो इमदाद आई है वो लेने आए हैं। ये इमदाद दी जा रही है या खैरात दी जा रही है, क्या मामला था? हमें जो ख़बरें पहुंची हैं वो ये पहुंची हैं कि इस इमदाद को पहुंचाने में बड़ी एक तो खुर्द-बुर्द होती है, उसके बाद जो इनके रवैये हैं वो बड़े अजीब हैं। ख़वातीन को रोड के किनारे पर बिठा कर सारा दिन वेट करवा के हरासा करके और घंटों के इंतज़ार के बाद, दिनों के इंतज़ार के बाद 8 या 9 हज़ार रुपया किस अंदाज़ में दिया जाता है वो आप देखेंगे आज के प्रोग्राम में। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लाइन में आती हैं औरतें, टोकन लगे हुए हैं। क्या टोकन क्या लगे हुए हैं? कौन सा नाजरा का ऑफिस खोल लिया? इनको सरकार ने पैसे दिए हैं तो इनको जलील करने के थोड़ा दिए हैं भाईजान? ये हमारी माएँ बहने हैं नीचे जमीन और यार रोड पर बिठाया हुआ है तुमने, रोड पर बिठाया हुआ। कितने पैसे आ रहे हैं? कितने पैसे आ रहे थे? 9000 रुपया। किन्ने देर बाद आता? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद आता तो कितनी देर चला जाता? मिल जाते जब हमारी बारी आती है, दे देते। क्या तरीके का आ रहा है? आप कितने बजे आई हैं? 5:30 बजे के आए हैं। क्यों? जिदा जेडे साडे तो अगे आन के बैठे सन, उना दी वारी भुगतनी है ते साडी आनी है ना। असि कोई गलत फहमी नहीं करदे। एक और जी, किन्ने बजे आयो? 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे? हां जी, सुबह 9 बजे लगे। अगे ने 10 बजे कौन दस? वो कह रहे 10 बजे आए हो, तोड़े तो के बैठे ने। साडे ते कौन बैठे ने? ओ ना लेने दे आले जिन्ना बैठे, ओ ना लेने ने आले जिन्ना बैठे ने। असि भी वारी साडी होना ही, साडे तो अगले 3 बजे आन के बैठियां ने बुढ़ियां। तो महीने दे 9000 रुपया आंदा? हां जी, महीने दे। महीने दे महीने नहीं आंदा, 3 महीने बाद में मिलदा सन। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 9000? देखे अगर आपने किसी की मदद करनी है तो उसको कुछ तरीके से करें। बाहर वो ये आलम देख लें, ये हाल देख लें कि ये देखें, ये अच्छा निजाम है। ये चक्कर ने आया कि ख्वातीन को आपने रोड पे बिठाया हुआ है भाईजान, ये तो काम हुकूमत का है। हुकूमत चार हमें दे कोई सेफ जगह दे जहाँ पे औरतें नजर ही। आपके पास क्या ठेका है या क्या? आप क्या यार, हम बैंक की तरफ से होते हैं, ठीक है? ठीक है, एजेंट है, ठीक है, ठीक है। एचबीएल की तरफ तरीकेकार है इस काम का यार? वो डिवाइस है, 9000 महाना आते हैं 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद? अच्छा, 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद 9000 आता है। ये अभी तक पैसे बांटने शुरू नहीं किया आपने? भाई पैसे दे रहा था, मैं अभी उठ के गया। नहीं, अभी तो सारी सिस्टम बंद भाई, सुबह की सारी औरतें लेके जा। कोई ये एंट्री होती है, कंप्यूटराइज्ड एंट्री होती है, क्या होता है? बैंक के साथ होता है हमारा। नहीं, कैसे? एचबीएल के साथ। मुझे जरा तुम पैसे दिखा सकते हैं कैसे होता है? एक खातून को निकाल के दिखाएं जरा। अच्छा, क्या तरीकेकार होता है भाई? ये आईडी कार्ड नंबर मिलाना होता है, ठीक है? ठीक है, आईडी कार्ड नंबर मिला के सिस्टम अभी बंद है, ठीक है? आईडी कार्ड जब मिलाएंगे ऊपर पेमेंट आ जाएगी, इनकी पेमेंट शो हो जाएगी। जिसका आईडी कार्ड हो उसका सिस्टम बंद है भाई जान, सिस्टम बंद है, सिस्टम बंद हुआ पर, ठीक है? जैसे ही पैसे दे रहे भाई जान, सिस्टम हो जाता है अक्सर बैंक का, आपको पता है सिस्टम है। तो कितनी देर में सिस्टम है ये हो जाता है? 15-20 मिनट या आधे घंटे में सही हो जाएगा। तो ये जा रही है, जा रही है यार। कब तक वैसे चलता है? 5 बजे तक। 5 बजे सुबह 9 से 5 बजे का टाइम होता है। अभी देखें कुछ सिस्टम आया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। सिस्टम होने का उस टाइम आ जाएगा यार। ये बड़ा मुश्किल काम है, हमारी माए बहने हैं किस तरह बैठे यार। हम आज सिर्फ ये आपकी नहीं, हमारी भी माए बहने हैं। जगह अंदर बैठा लें, और लोगों को बैठा लें। जब अंदर सबको लेके आऊंगा ना, फिर औरतें आराम से नहीं बैठे। ये लोग बाहर सुबह से बैठे हुए हैं ना, देख ले बाहर से बैठे। आपका तो सिस्टम ही डाउन है। अब खवातीन अंदर आ गई है, तो अभी आप कब से सुबह बाहर बैठी हुई? मैं यहाँ तो अभी आई नहर पे, सुबह 5 बजे की गई हूँ, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। यहाँ पे भी जितनी दुनिया, ये कैसे मिलेगा? पता नहीं, कहते हैं सिस्टम खराब है, सिस्टम डाउन हुआ होगा, दोबारा सिस्टम नहीं है। उधर भी कहते हैं सिस्टम खराब है। हमने उनको कहा, मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं 3 दफा हो गया, रोज के 200-300 किराया लगा के हम यहाँ आते हैं। वहाँ वो कभी वो दफ्तर भेज देते, कभी वो दफ्तर भेज देते। पैसे कितने दे रहे हैं? पैसे 9000। 3 माह बाद? हाँ, 3 माह बाद 9000। और इतनी खुआरी बच्चे वाले उनको पहले देते। उस दिन मैं बच्चा छोटा साथ लेके गई, उन्होंने एक माने वाले हैं, जितने मिलते नहीं उतने हमारे किराए लग जाते। 8-10 दिन हो गए हमारे किराए लग रहे हैं।
बच्चों की दवाई दारू कर रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई, मेरे हस्बैंड फोत हो गए, मैंने इनसे बात की, ये जो आया बैठी है दरवाजे पर, मैंने इनसे बात की, मैं कहा हम सुबह के आए हुए हैं तो ये तो बहुत ज्यादा है ना, हमारे हाथों पर नंबर टोकन नंबर हमारे हाथों पर इन्होंने लिखे हुए, जो हमारे से बात आ रही है सिफारिश पर, वो ये जो भाई खड़े हैं सामने यही लिख रहा है जी, तो ये हमारी बात नहीं सुन रही है। हाँ जी जी भैया, टोकन टोकन कैसे लिखते हैं? टोकन लिखे जरा, ये लिखे हुए नहीं, ये अगर इन ये इन खातून को टोकन लिखना हो जरा, नहीं अब बारी हूँ आए हैं 10 बजे, किसी को तो टोकन लिखे यार, टोकन दिलाई ना, ये देखें हाथों पे लिखे हुए हैं, आपके हाथ पे लिख रहे हैं मेरे भाई, खवातीन का वो भी पर्दे का भी मामला है, हमारी बहन यार, हमारी भी बहने हैं, माए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, माए हैं बहने, आपने रोड पे बढ़ाई हुई यार, ये तो हुकूमत, मेरी बात सुनो, ये है मैंने, हमने थोड़े इंतजाम, ये तो हुकूमत ने करना है ना, आपकी अगर वैसे कोई हमारी माँ बहन या आपकी कोई फैमिली मेंबर बाहर बैठी हो, बुरा नहीं लगेगा यार, सबको बुरा लगता है, लेकिन अब ये हुकूमत का काम है ना, पर्दे में कुछ इस तरह का इंतजाम करके दे, इतने दिनों में चक्कर लगा रही हूँ, आज मैं जबरदस्ती अभी अंदर आई हूँ, वो भी कह रही है आपके पास टोकन नहीं है, उनका सिस्टम मैं रोज ही नहीं चल बच्चा किसके पास छोड़ के आऊँ, उनके सिस्टम ही नहीं चल रहा, वो कह रहे सिस्टम यही कहते हैं सिस्टम नहीं चल रहा, जहाँ जाते सीधी तरह बता दे औरतों को हमने नहीं दी, इधर ही मैंने कहा क्या सिस्टम है पैसे लेने देने का, किस तरह से कहते हैं आगे से ये पैसे लेने ये सबक लेने आई है, इधर बैठा हुआ था लड़का, अच्छा बदतमीजी भी करते हैं, करते हैं तो, लेकिन मैंने अपने बेटे को बताया मोबाइल पे मैसेज कर देते हैं आके पैसे ले जाओ, यहाँ आते हैं तो हमें ये पागल करते हैं, वहाँ चले जाओ ड्रामा करते हैं, हर बार ऐसे होता है, ऐसे करते हैं, वो जलील करके पैसे देते हैं, सिफारिश ज्यादा चलती है, क्या सिफारिश, सिफारिश कोई जान पहचान वाली हो जो ऐसा कोई वाकिफ है तो उनको अंदर लेके जाते हैं, पैसे लेके 1500-1000 रुपया लेके अंदर औरतों को आने करते हैं ना जी, करते हैं ना जी, ये हर जगह हो रहा है, सुबह 4 बजे के, सुबह 4 बजे के, 5 बजे की लड़की छोड़ के आई हूँ मैं अपनी, सुबह 4 बजे के आई हूँ, जो टोकन ये लगाया ये हाथ पे लिखते हैं, ये इन्होंने भाई नहीं लिखा है सबके हाथ पर, सिस्टम चला, सिस्टम नहीं यार सिस्टम चलेगा ये यार, डायरेक्ट वार होने ने बताया कि नहीं, बैंक का बैंक के साथ, अभी ये देखे कितनी खवातीन अंदर आ गई, बाहर आपने रोड पे बढ़ाया हुआ था, फकीरों की तरह बैठे, वही बात आ गई मेरे भाई, अभी ये अंदर उमने करके देना है, नहीं आप ना करें, आप या तो पढ़ो, ये सब पिछले महीने के पैसे आ रहे हैं हमारे, आए हुए लगे हुए हैं, कब के ये आपके कब के आए हुए, मेरे तो मतलब महीना हो गया, पहले से पहले के आए, महीना हो गया कह रहे हैं, सिस्टम नहीं चल रहा, वो हो रहा है ये हो रहा है, लाइनें नहीं लग रही, पैसे दे रहे थे अभी तो ये पैसे दे रहे थे, अब बंद हो गया, अभी तक कितनों को पैसे मिले हैं, कोई लेके गया, 10-12 लेके गए, काफी औरतें लेके गए, कितने लोग लेके, तकरीबन 15-20-25 औरतें ले गई हैं, 25 औरतें ले गई, हाँ और 500 इधर खड़ी हैं यार, अब ये तो 5 बजे तक इनकी बारी नहीं आई, सिस्टम कहाँ आइडिया, कितने लोगों को क्या, जिनको दे देते हैं उनका क्या लिखते हैं, कैसे पता लगता है, दो तीन बंदे सिस्टम वाले बिठाने चाहे कि लेडीज का ऐसे खड़ा ना करे, आप लोगों को रोड पे, रोड पे रोज सड़कों पे खड़ी होके चली जाती है, रोज सड़कों पे खड़ी होके चली जाती है, किराया लादा लगते हैं हमारे, एंट्री दिखाइएगा इधर, ये कम भी आते हैं, ये जो ये पेमेंट भी टाइज है, ये देख स्लिप भी टाइज है, ये बच्चों की है, ये लोशन माँ का प्रोग्राम जो होता है ना, इसमें वो भी जो प्रेग्नेंट औरत है ना, एक महीने से हमला उसका 2500 है बच्ची का, और तो बच्ची का कैसे पता लगता है, इधर से वो आईडी कार्ड जब लगाते हैं ना तो शो हो जाता है, यार अभी ये इतनी खवातीन खड़ी हैं, इनको कब देना है भाई जान, सिस्टम चलता है तो उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, अब देखें चला सिस्टम, देखें चला, अब ये खवातीन का क्या करना है, आपका सिस्टम ही नहीं चल रहा, दिखाएं जरा कितनी खवातीन है, जाएगा अभी सिस्टम थोड़ी देर में चल जाएगा, सिस्टम का कोई इशू नहीं है, सिस्टम ये जो सिस्टम इस तरह चला तो ये तो 5 बजे तक इनकी बारी नहीं आएगी, बैंक का मसला है ये तो, HBL वालों का है ना, क्योंकि HBL ये तो अभी तो फिर भी चल गया है ना, पिछले दिनों में कम से कम 7-8 दिन लगातार बंद रहा, 7-8 दिन लगातार बंद रहा, हाँ जी, बीबियाँ सारा दिन बैठ के जा रही हैं, नहीं बता देते सुबह बजे सिस्टम नहीं चल रहा, भैया आज तो सिस्टम चला अभी बंद हुआ है थोड़ी देर, ठीक है 25 लोगों को आपने पैसे दिए अभी तक, ये इधर 500 लोग खड़े हैं भैया, ना डिवाइस पे डिपेंड करता है ना, डिवाइस जिस तरह चलनी है, चले नाजरीन ये मामला आता है, ये पता है इन्होंने लड़कियाँ रखी हुई हैं जो पैसे लेते हैं तो फिर अंदर जाते हैं, वरना किसी को जाने देते, जलील होते 2 बजे तक जहाँ पे बैठे रहते हैं, वापस जाती है
ऊपर से करे तो बदतमीजी करते हैं, पैसे लेते हैं 2000 रुपए फिर अंदर जाने देते हैं। वो कह रहे नहीं ले लेते हैं, मैंने खुद दिए 9000 रुपए मैंने लिए, 1000 रुपए से कई बेगम को मैंने दिया है नंबर से। यार आप कह रहे हैं जिस मर्जी से पूछ लो उन्होंने बता दी, वो कह रहे हैं कि आप पैसे लेते हैं। भाई जान किन से पैसे लिए बताएं, आप डरना नहीं मांगे साथ औरत यहाँ पर रहती, मैं खुद भी डरने वाली नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह से डरती हूँ मैं। मैं पिछली दफा आई हूँ 9000 रुपए दिया इन्होंने, अंदर एक बुढ़ी है वो उसकी बिल्ली बिल्ली आंखें उसकी ये आपको बता रहे किसी बात फोन कह रहा है खतून कौन सी भाई यहाँ पे कोई लेडीज है आपने अभी क्या खबर से पूछ रखी हुई है यहाँ पे है। अच्छा तो डरते हैं ये नहीं बताते क्या सीन मुझे पता है कि पैसे ना दें। हाँ, पैसे नहीं डरती है औरतें लेकिन मैं नहीं डरती ना, मुझे मिले कोई बात नहीं लेकिन हक की बात मैं करती हूँ, पैसे लेते हैं फिर अंदर जाने देते हैं इज्जत से नाम लेते हैं, 1000 रुपए को देता है, 1500 को 2000 रुपए ये सब लगाते हैं। सिर्फ एक लेडीज है जो दरवाजे पे है, वो सामने दरवाजे में बैठी होगी है। इसके अलावा एक और अंदर अच्छा वो इसको नंबर देती है, तो ये ठीक कह रही है यही पे देते हैं यहाँ पे जी दे गए बाहर जाके। अब दूसरी औरत कोई मेरी बात सुनी यहाँ पे हम अपने जिम्मेदार हैं भाई यार, इसके पास एड कर जाता है इज्जत से नाम लेके फिर पैसे देते हैं। क्या क्या आपने पैसे इनके पास ऐसे कार्ड जाता है ऐसे जैसे जैसे मैंने कार्ड दिया जब आपने पैसे, पैसे दो दार देते हैं। हाँ पैसे आते हैं इसका नंबर लेता है, ये नहीं लेता पैसे, इसने औरत रखी हुई है वो लेती है पैसे। यार भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, वो कह रही है कि मैं किसी से नहीं डरती दुआ अल्लाह के। मुझे पता है यार मेरी बात सुन, मुझे पता है मैंने पता है मैं सारा दिन औरतों से मैंने बात की है, सीन हो जाएगा चक्कर लगाती है मेरी बेटी के पैसे में चक्कर लगाती है, बात सुनते जो वो बात करते ना पैसे से बीबी को दो तो कहते हैं हम जानते नहीं उनको, पता कि बाबा पैसे नहीं देंगे। हाँ ये ठीक है रे नहीं 9000 रुपए ऐसा नहीं देने ना, अंदर आंदे कभी पैसे देते ने नहीं ऐसे नहीं, वो कह रहा है 1000 रुपए दो हुने तो हम दे देना। हां इतने वाली उन्हें मैंने आई मैंने कहा पैसे दे 12000 रुपए दो और मैं नकली मैं कहा मैं नहीं देने, मैं कहनी बार 9000 रुपए इनकी बैग से बुढ़ी इनकी असं उनके च नंबर इनका लिया थी बुढ़ी का वो तो सारा डेटा चेक किया इन बच्चे नाम है चांद जी। मैं ये क्या कह रही है क्या कह रही है कह रही है कि अंदर आने के पैसे रखे हैं आप, कौन बीबी कह रही है ये क्या? किसने लिए मुझे बताए ना, अगर हम में से किसी ने लिए भाई मेरी है ना? भाई कोई खातून नहीं यहाँ पे आपके अलावा भी कोई खातून है नहीं, आपके होते हुए कोई 2000 ले सकते किसी से वैसे 2000 नहीं ले सकते बाला जी, हल्फन कह रहे हो ना, हल्फन कह रहे हो ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਵੇਲ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੇਤਾ ਅਵੇਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਰੇ ਆਏ ਆਏ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਕਿਆ ਹੋ ਬਾਜੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਡਿਲੀਟ ਕੋ ਕਿਆ ਥਾ ਕਿਆ ਵੈਸੇ ਵੌਇਸ ਥੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੇਕਰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗੇ। आप ठीक कह रही हैं, ये हर तरफ यही मामला था, हमें भी यही इतलात हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि जिन खवातीन के पैसे आए हुए हैं अगर वो यहाँ पे बैठ के कुछ इस तरह की बात करेंगी तो उनके लिए फिर मसले की बात है। रात को 2 बजे तक आते हैं जी, इधर जो जितने भी हैं ना लोग यहाँ से बुढ़िया हैं इधर खड़ी हैं वो से कहती पैसे लेने फिर आपने आओ इतने पैसे दे दो हमें, इनके एजेंट भाई फेर रहे होते हैं मतलब कहते हैं कि आपको फौरन निकलवा देते हैं 1000-2000 मैं समझ गया उनकी अक्सर की बात करनी झूठ नहीं बोलनी, बात यही सच है कि ये पैसे ले रहे हैं सुबह से आगे 20 टोकन के बाद उन्होंने नंबर शुरू किए हैं आपके। अच्छा पहले 20 टोकन वो कन्फर्म नहीं है ठीक है, उसके बाद उन्होंने नंबर देने शुरू किए हैं कि ठीक और वो 20 टोकन वो होगा कि पैसे दें अपनी मर्जी से जो है ना सुबह यानी कि 5 बजे के आगे बैठे हैं हमें। आप 5 बजे से आगे बैठे हुए हैं लेकिन और जो 20 लोग लेके गए वो कौन थे? वो सुबह 1 बजे गए वो ऐसे लेके जाते हैं कि अंदर से आते हैं ना आवाज देते हैं कि ये वाली औरत है ये वाली है उसको अंदर भेज दे, फिर उनको हम जो सब बैठे होते हैं उनको भी अंदर भेज देते हैं। बाजी ने भी ये बात की है कि अंदर जाने के पैसे ले लेते हैं, मतलब अब ये नहीं पता वो कितने लेते हैं कितने हमें थोड़ी बताते हैं, स्पेशल स्पेशल बुला के ले जाते हैं। हाँ जी पैसे लेके जाते हैं पैसे देने 15000 1500 रुपए देने लैंड बाहर से भी आती है
आती है फौरन रुकती है आके आती है फौरन अंदर आवाज जाती है वो चली जाती है। पैसे जिन्हें पैसे कटाने लेकिन मैंने देखा है कि पैसे नौ वाले चौक में भी ऐसे ही होता है बाहर से आती है उनका आईडी कार्ड पकड़ के अंदर चले जाती है पैसे लेती है। सही बताना है, किसी की नहीं जा रही। झूठ नहीं बोलना, ये तो खुद औरतें इनको खराब कर रही हैं। अच्छा, आती हैं कहती हैं 1000 रुपया हमसे ले ले बाजी, एक मिनट जाओ 1000 रुपया हमसे ले ले हमें पैसे दे दे। अभी सुबह भी भाई ने एक औरत को बिस्ती करके बाहर निकाला। सही, झूठ नहीं बोलना, खुदा को जान देना। सही है, सही है। वो कहती है औरतें खुद इनको खराब कर रही है, हमसे 1000 रुपया ले ले हमारी बारी छेती है जल्दी आज जो बैठी वो पागल है। नंबर दिया हुआ है वो, जब वो पागल है जो सुबह से आके बैठी। मैं खुद 5 बजे के आई हुई देखा कावन नंबर, जब मैं औरतें आई थी, मैं आई थी ना यहाँ 25 औरतें थी, 26वां नंबर मेरा था। जब टोका लगे इन औरतों ने, बाद में औरतें इन्होंने बीच में घुसा ली, औरतों ने घुसाई है। अभी जो 25-26 लोग लेके हैं वो सही लेके गए हैं या नहीं? वो टोकन के वाइज वाइज सही लेके गए हैं, जो दूसरी औरतें इधर वाली जो बैठी हैं ना वो सिफारिश चली हैं। लगाई हुई है ये देखें, एक कुर्सी ये पड़ी है, एक कुर्सी ये पड़ी हुई है और यहाँ पे ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और इन्हें रोड के किनारे पे बिठाया हुआ है। वो खंभे से वहाँ चल के हम यहाँ तक आए हैं। इधर वाले सवारजी हैं, अंदर की बात कर रहे हैं, इधर वाले सवारजी हैं, इधर वाले जो टोकन वाइज हैं। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ। अच्छा, मुझे ये बात बताएं जी, जी कि बाहर जो लोग खड़े हैं जी, जी वो 5 बजे से आए हैं जी, उनकी बारी नहीं आई, तो जो 25 लोग ले गए हैं वो रात 1 बजे आए होंगे भाई जान। वो कितने बजे आए? औरतें क्या इसी तरह कहती रहो, ठीक है जी, जो आगे अंदर आ गई है ना जो बाहर खड़ी, हालांकि यहाँ पे आपका वो लगा हुआ है, आपका लगा हुआ, आपका लगा हुआ, एक सेकंड रुके, आपका नंबर लगा हुआ, आपका नंबर लगा हुआ, मैं अभी बताता हूँ नंबर किन का लगा है, मैं भी आपको बताता हूँ। मुझे ना अभी बाहर से कार्रवाई समझ आई है, अभी कार्रवाई समझ आई है लाजिन, अब हमें कार्रवाई समझ आई है। हमारी एक बहन है, उन्होंने आपने बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक है, आपका नंबर लगा होगा, आपका लगा हुआ है ना, ये देखें सर, ये देखें जी जी, शर्म आनी चाहिए। अभी औरतें आई हैं, मैं आपको अभी औरतें मेरे आने से पहले की बैठी हुई है। ठीक है तो अनु इसे बैठे की नहीं दे रही है, ऐसे की नहीं, आप यहाँ बैठे, मैं आपसे भी मिलके गया हूँ ना, मिल गया, हाथ दिखाओ उधर, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आप दिखाएं जरा। अच्छा नाजीन, आप इधर आइएगा, आपने बिल्कुल सही नहीं जान देगी, हमें इनकी करप्शन नहीं समझ आ रही थी। जब ये भाई आए थे ना, ये 5:30 से पहले आए हैं। नहीं मेरी बात सुनो, 15 दिन हो गया मैं रोज ही आते हुए। आओ एक बात बताऊं, पैसे नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप पता है? अभी सुने, अब आपको बात सुने कि कर क्या रहे हैं। पिछले बुध से आ रही जो ये बैठी है, इनके टोकन नहीं लगे हुए, जो ये बैठी है इनके टोकन लगे हुए। मैं अभी आप बताता हूँ, बाकी हमारे जो बड़े हैं बाहर ईंट पे बैठे हुए हैं, खड़े पे बैठे हैं, मेरी बात सुने, ये सबसे फ्रंट डेस्क है, इस पे नंबर नहीं है, जिन्हें टोकन लगे ना हमसे 1000 रुपया ले लो मैं पैसे दे दो। फोन नंबर है नंबर नहीं लगा। अब ये देखें, ये भी ज़ईफ़ हैं, ये ज़ईफ़ हैं, इनके नंबर लगा, ये कैसे जिस टाइम मैं अंदर आया हूँ ना उस टाइम कोई खातून बाहर से नहीं आई हुई थी। और मैं इन खवातीन से बात करके गया, मुझे इस बीबी ने बिल्कुल ठीक बताया, आप तमाम मेरे लिए जो है ना काबिले इहतराम है, ये बिल्कुल ठीक बता रहे कि जो ये लाइन है इस पे किसी का भी टोकन नहीं लगा हुआ। अच्छा। और जो वो लाइन है उसमें सारों का टोकन लगा हुआ, ये कैसे मुमकिन है? इधर किसी का टोकन नहीं लगा, ये बीबी कुछ अभी आई है, ठीक है, आप 5 बजे आई है सुबह, आप 5 बजे आई है, इनसे पहले कौन आया बताया?
आपके कॉमन नंबर लगा? हाँ जी कॉमन नंबर ऐसे लगा, मैं जब भाई 2500 और मेरा कॉमन नंबर लगा जब भाई आए, ये जो औरतें हैं ना इनके कॉल आए हैं भाई को, ये इनके मिलने वाली ठीक है। चले इनके एक का भी वो लगा दें, इनके एक का भी दिखा दें, वो मजदूर है, ये भी ज़ईफ़ है, मजदूर है भाई जान, ये भी ज़ईफ़ है, मजदूर है, जरा उनको इनका 82 नंबर है, ये मुझसे पहले अंदर आए हुए हैं। क्या नंबर है आपका? आप मेरे से पहले बैठी थी, आप मेरे से पहले बैठी थी, आप उससे पहले थी ना, आप मेरे से पहले थी, मैंने आपसे बात भी की है ना इससे पहले। आपका क्या नंबर है? 87। इनका 51 है जी। इनका इनको यहाँ आना चाहिए, 7:30 भाई, मुझसे पहले की। इनका 82 नंबर है, इनका 51 है, ये बाहर है, ये अंदर है भाई जान, अभी औरतें अंदर आई हैं। नहीं मेरे से पहले थी यार, अब भी आए बाजी, बताएं कब आई है? जब ये आए हैं मैं इनके साथ, आपके साथ आप यहाँ बैठी हुई थी, मैंने आपसे कॉल किया, 51 वाली बाहर थी, 82 वाली अंदर थी भाई, मेरे वो अभी आ रही है मेरे भाई। आप अंदर क्या, अंदर क्या भाई जान, चलो चलो खवातीन के बाथरूम में आप क्या कर रहे हैं? पानी पीने आया हूँ, खवातीन का वाशरूम थोड़ी है, किचन और वो है, ये क्या चीज है? ये भाई कार्ड है। किनके? ये पुराने हैं, ये पक्के नहीं है। नहीं ये एटीएम कार्ड है? नहीं नहीं एटीएम नहीं है, दूसरे कार्ड होते हैं ये, आपके दूसरे। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई यार? ये वीडियो के पुराने हैं, ये जो पहले चलते थे ना, ये वो क्या कार्ड है अंदर, कार्ड पड़े हुए भाई जान, ये आपकी डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड रखे हुए आपने भाईजान? जब एक भी है ही नहीं तो उसका क्या करेंगे, एक चीज है ही नहीं हमारे मतलब पास। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये खोलिएगा, एक खोल के देख सकते हैं? नहीं भाईजान ये हमारा, ये जैसे देखे वैसे ही पड़े हुए। कौन देखे क्या ये? ये जब बीबी का आता है ना कार्ड, ठीक है बीबी नहीं आती तो हम इस तरह पैक ही पड़े, जब बीबी आएगी तो भाईजान हम आपके सामने, हमने खोला नहीं, ठीक है ये जब हमने ओपन भी नहीं करते, ठीक है क्या चीज रखी हुई है यार? ये डेटा है हमारा और कुछ नहीं, ये सिर्फ साहब तुम्हारे कितना कितना भाई जान, एक मिनट छोड़िएगा, एक मिनट छोड़िएगा भाई जान, नंबर लिखे हुए 6,000 12,000, ये क्या यार ये क्यों है भाई जान? ये पेमेंट जैसे जैसे जाती है, जितनी बीमी गुजारी पे मूर्ति नहीं दे रही है ना, वो है डेटा हम रिकॉर्ड रखते हैं ना अपने पास, जितनी जितनी पेमेंट देनी है शाम को हमने साफ भी करना होता है। एक मिनट, आप क्यों चाह रहे हैं कि हम ये ना देखें? देखें देखें कोई मसला नहीं, ये मुख्तलिफ क्यों है भाई जान? बीबियों की पेमेंट मुख्तलिफ ही आती है। अच्छा एक जैसी नहीं आती? नहीं, अब एक बीबी 9,000 वो तो बेसिकली है ना, बेसिकली 9,000 है, ठीक है बच्चों की पेमेंट मिला के डबल हो जाती है फिर। नहीं नहीं छूटना पा रहे हैं भाई, जैसे हमें सारा पता है, 1,000 बच्चे को देते हैं, चलो ऐसा लगा लें कि 1,000 रुपया बेटे का, 2,000 बेटे का, ऐसा लगा लें, ऐसे ही है कि गलत बात करो मैं कोई, ठीक है फिर आपने कैसे आके 2,500 बेटे का भाई जान? ये आपके सामने मैंने आपको दिखाया स्लिप, कितना दे रहा है मुझे इतना पता है कि 2,500 बंद 1,500 बच्चे का, 2,000 बच्चे को मिलता है, 3,000 देते हैं आप स्कूल परसेंट को, हाँ जी स्कूल के बच्चों जब लगते हैं फिर देते हैं आप लोग। आप यहाँ लेने आते हैं? नहीं लेने आते, हमारा भी एक दोस्त है वो रामपुर साहब, वो भी करते हैं, ये सारा पता हमें, लेकिन मैं कभी दूसरी तरह से गुजरता हूँ, लेकिन आप देते नहीं है, हमने बहुत दफा नोट किया है, मेरे भी हैं भाई एक वो कोई आपके अफसर या कोई माल चाल तो नहीं खा रहे हैं बस यार, क्या बता वही वही बात है जी, यहाँ पे अगर हाँ जी वही बात करने वाली ना, आधे लोगों के अपने क्या, आधे लोगों के टोकन लगे, आधे के नहीं लगे हुए, ये उन लोगों के एटीएम कार्ड हैं, मुझे लगता है कि ये इससे फिर इनके बैंक अकाउंट में है, ऐसी है वही कार्ड है ना जी, तो इनको दें यार, यार बीबी आएगी तो देंगे ना, ये नंबर लिखे हैं ऊपर उनके, फोन करें बीबी को, बीबी को कितने फोन करें हम लोग, बैंक वाले ने आपको दे दिया वो यहाँ पे जब एक साथ पड़े हुए हैं, हमने रखे हुए हैं परवीन बीबी, जाहिर बात है वो पता नहीं वो कहाँ होंगी, उनको तो फोन करें, उनको फोन करके दें, उनकी आपकी जिम्मेदारी है यार, बैंक ने आपको कार्ड दिए। रिहाना ये कब के आए हैं? इन्होंने रूढ़ी में फेंका हुआ, रूढ़ी पे कूड़े में रखे हुए थे। शाजिया समरी ये देखिए, ये कार्ड आए ना, ये भाई कार्ड मेरा कार्ड ना जी, ये मेरा कार्ड है, मैं इसका दोस्त हूँ, ये मुझे पैसे मैं ऐसे ले रहा हूँ, दो ने कार्ड बना लिया ठीक है, इसका ये इसने मेरा कार्ड बनाया, मेरे पैसे लग गए 9,000 मेरा लग गया, समझे मेरी वाजा का लग गया, मेरी वाइफ का लग गया, मेरा लग गया 9,000, 3,000 लग गया मेरे बच्चों का, मेरे दो बच्चे हैं, एक को 2 मिला, एक को 1 मिला, 3 लग गया, कितना हो गया, कितना हो गया
12 हो गया लेकिन इसमें से मुझे आपको फिर आगे मैं क्या बताऊँ आपको क्या मिला छह मुझे मिलना है छह इसको मिलना है ये कार्ड मैंने क्या करना है जी कार्ड मैंने क्या करना है ये कार्ड नहीं देते ये कहते हैं जी कार्ड नहीं आया 9000 देंगे तो बैंक से लेने लग जाएगा कार्ड मेरा आ गया मैंने क्या करना जो 6000 मुझे मिल रहा है फिर मैंने कार्ड क्या करना अगर आप इतने कार्ड पड़े आपने किया तो फातिमा नसीम ये आपके पास कार्ड पड़े हैं यार ये क्या बानो बीबी आपने मेरे साथ नहीं किया ये क्या हां ये किनके कार्ड है ये लेडीज के देखो यार देने थे ना फोन करें किसी को इन्हें फोन करें किसी को फोन करें इसका कार्ड खुला है किसी को फोन करें ओपन है तो जब इसका काम ही कोई नहीं हो रहा इसके पैसे आ रहे हैं ना इनके पैसे आ रहे हैं कहां जा रहे हैं तुम्हें पता है तुम बैंक जाओगे तो पैसे लग जाएंगे तो कार्ड ही नहीं दे रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है जो हम चाहे उन्होंने पता नहीं अच्छे आओगे अच्छे अच्छे और साहब है ना अच्छे देखो किस तरह जलील होकर पैसे ले रहे हैं ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾਏ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਾਰਡ ਯਾਰ ਬੋਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਸਮਰ ਕੋ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇ ਇਨਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋ ਦੇ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ शबनम फिर दोस्त कम से कम ये 100-150 कार्ड है 100-150 बैंक जाए पैसे नहीं अपने ये इधर क्यों है यार जब कार्ड बने दे उनको फोन करके यार शबनम फिर दोस्त दे रहे हैं तो यार ये आपका काम है ना सर आप देना हमारी माँ बहने तो सुबह 5 बजे की आई है बैंक का मैसेज आया है ना बैंक अगर कार्ड मिलेगा तो सर पैसे कार्ड देखो आए ने उन्हें रूड़ी जी सुटे रूड़ी जी सुटे आपको भी कार्ड का मैसेज आया है क्या नाम है आपका समीना का तो भी था इधर समीना यूसुफ तो नहीं अमना आते तो ये कार्ड तो रूड़ी पे थे कार्ड तो आपका भी आया हुआ ये कार्ड ये इन्होंने संभाले हैं आपके कार्ड आए हुए हैं तो ये अब इनकी जिम्मेदारी है ना ये देखें ना इस तरह ये देखें 150-200 कार्ड इधर पड़ा है ना ये कार्ड इनका क्यों नहीं दे रहे अब आपको बात करो जिस तरह यहाँ पे कार्ड पड़े हैं ना बाकी दूसरे कहीं पे कार्ड आए हैं 15 दिन हो गए तो देखते नहीं है लोका कार्ड जिस तरह इतने पे ने कुछ और दूजे उससे पे होने नहीं आते है, वो कोई भी ना ये जिनके हैं अभी उनको दे के जाएंगे ये कहते हैं कि जो जो मिले उनको मिले या बैठे ये कार्ड जो है ना बेनजीर वालों के नहीं है ठीक है किनके इनके भाई एचबीएल के आप माशाल्लाह ये एक और बड़े हैं ठीक है जर्नलिस्ट है कनेक्ट भाई ये जिनके कनेक्ट अकाउंट खुले ना ये उन बीपीओ के कार्ड है ठीक है इनका बेनिफिट क्या कर रहे भाई जान हमारा काम कनेक्ट भी एचपीएल का ही है तो आप इनको दे ना भाई जोन साहब ये उसको दे आप कूड़े में रखा हुआ है कार्ड कूड़े में पड़ा हुआ एक पीपी है अपना अकाउंट ओपन करवा के चली जाती है हाँ तो उसको बताएं भाई अब उसको बताएं कि ये बंद करवाइए इसको लेके जाए आपके पास क्या कर कहानियां सुना रहे हैं अभी आप कह रहे हैं कि इनका अकाउंट नहीं है आप कह रहे हैं उनका कार्ड नहीं है आपने कनेक्ट बाय एचबीएल का है ना वो पीछे लिखा भाई वो तो कनेक्ट बाय एचबीएल एक बैंक का है ना फिर ये कनेक्ट बाय एचबीएल बैंक के कार्ड है बेनजीर के ये देखे बेनजीर की जो भी पेमेंट आती है ठीक है बेनजीर के ऊपर मोनोग्राम लगा होता है इधर पानी ना औरतों ने बाहर जो उनका बाथरूम है ना तो मैं उधर स्कूल में गई थी इसने मुझे अंदर आने नहीं दिया इसने कहा आपको सजा है आप क्यों बाथरूम यहाँ पे यार आप इसको हमारे हमारे भाई ने बोला इसने मुझे सजा दी है कदो बीबी ना बदतमीजी नहीं की बाजी जो हमला कर दिया ना तुसी इत्थे होवो ना तुसी कहो यार बहुत जियासी गल ये बैंक तो नहीं है ना कनेक्ट बाय एचपीएल वो लिखा हुआ ऊपर बैनर के
बैनर के ऊपर कनेक्ट बाय एचबीएल लिखा कि नहीं लिखा है ना, कनेक्ट बाय एचबीएल के कार्ड है और यहाँ पे मतलब कि 150-200 कार्ड ऊपर कूड़े में पड़ा हुआ है, किसी का तो होगा, बैंक तो है नहीं। बेनजीर का है भाई जी, सिस्टम ही नहीं चल रहा। काड़ा गया नंबर भाई, कितने बजे आयो भाई? मैं 7 बजे की आई, बच्चे स्कूल भेज के 7 बजे। हां बुढ़िया इतना ज़लील कर दिया ने ना, इतना जब दरवाजा तोड़े ने ओदो क्यों ने ना मीडिया बुलाई? हां जी जब ना इतना ज़लील किया ओदो क्यों ने मीडिया आई? बुढ़िया का सारा कसूर है, बुढ़िया का सब तो बदतमीजी नहीं करते, और तीन महीने चार ही आगे बुढ़िया का कसूर। ओ मां मार तो नहीं जवाब बोल दे, ओ बड़ा ट्रिपन। कितने बजे आई आप? 5 बजे जी। 7 बजे आके ठत्ती लगाया, वो 5 बजे आके उन्हें कुंजा कुंजा लगाया। जब मैं सिर्फ 3500 और 2500 और 2600 2600 नंबर मेरा था, जब भाई आए हैं तो औरतें भी जो सगी भाई ने जब नंबर लगवाए हैं ना, तो मेरा काम लग गया। ये औरतें खुद 3 बजे आके बह जान, उन्हें तो जान की कोई गलती नहीं है, सारी औरतों की गलती है। इन्हें तो जलील किया है, सीधी सीधी गल मैं बड़ा चार तू सुनती भाई सा, मैं नहीं बोलन दई लगन आज मैं तंग आके बोली। इनका कोई नहीं, ये सही पैसे देते जो औरतें आती का सही कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही अपनी सही से देते सही बिठाया हुआ भाई। हां जी बिल्कुल, इन्होंने सही पैसे भी दिए। अच्छा जेरी बुढ़िया बैठी है ना, एक टोकन नहीं लगे ओदे टोकन लगे सर, वो ऐप है जेल में सर, साल जेरा जानन वाला आ गया, जानन वाला आया है उसने डील मारना शुरू कर दी। उसने कहा ये अभी आया नहीं था, कह रही है बाजी क्या माँ जी तुसी मेरी माँ लगते, मैं क्या तुसी ना अज करो, मैं तुहानू विचों पैसे दांगी, तुहानू 2-3 हज़ार दांगी। मैं क्या की करा, कहिंदी मैनू ना 20 बीबियां दे दे। मैं क्या की करा, कहते बीबियां ना राजी हो गई, मैं भी राजी हो गई। क्या क्या कह रही है? 1000-1000 रुपया तो ये फतेह कर दी इधर, कोई वहां पर सामने जा रहा है तो आपको यहां से चुटकी में पैसे दे रखे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं जाती, मैंने इनसे मना किया, मैंने कहा जो 1000-1000 रुपया उसको देना, बच्चों को नहीं खिलाएंगे हम, क्यों दे 1000 रुपया? ये भी राजी हो गई थी जाने के लिए, हम भी 1000 देने राजी थी। हां जी अच्छा वैसे एक मिनट गल सुनो, जिस चीज को पैसे चाहिए 1000 रुपया दे, मैं और नहीं मैं आप 1000 रुपया दे देंगे, मैं पैसे निकलवा देता हूँ, जितना मर्जी लूट ले, जितना मर्जी लूट ले। 50 बीबियां कब देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिनट है, आप लाइन से आइए। जो कहती है बीबी पैसे लो, मैं क्या करता हूँ, आप अपने मानी से मैंने आपको बताया कि मोहरा नहीं पैसे तो मेरे के बाहर निकाला है, आप देने को तैयार हैं? नहीं ये मामलात हैं, हमारा काम है निशानदेही करना। बेनजीर इनकम कोड जो है उन लोगों के लिए एक जो है उम्मीद की किरण थी, जिन लोगों के जो हालात ख़राब हैं और जो इस मुश्किल घड़ी में जिनके पास पैसे नहीं है, अभी आप देख सकते हैं कि हजूम लगा हुआ है। नाज़रीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब जितने भी सेंटर यहाँ पे करीब करीब हैं वो तमाम बंद हो चुके हैं, पहले सेंटर से होके आ चुके हैं। वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो इमदाद का पैसा है उसमें से भी कोशिश की जा रही है, किसी से 1000 ले लें, किसी से 2000 ले लें, और उसके बाद रवैये बड़े अजीब हैं। अगर हुकूमत ने फैसला किया है कि ये जो गरीब आवाम है इसकी मदद करनी है तो उन्हें अच्छे अंदाज में दें, उन्हें रोड पर बिठा के घंटों बल्कि हफ्तों इंतज़ार करवाने के बाद, जलीलो ख्वार करने के बाद अगर उन्हें 8-9 हज़ार रुपये मिल भी रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है? वो बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो किराया लगा लेते हैं। और आपने देखा कि जो हम पहले प्रोग्राम करके आए हैं उधर भी इसी नौयत की चेयर थी, पत्थर रखे हुए हैं कि यहाँ पे आके बैठें ख़वातीन, इंतज़ार करें घंटों। यहाँ पे दुकानें तो अब बंद हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि फ़तेहगढ़ का ये सेंटर है जहाँ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते हैं, लेकिन पहले प्रोग्राम के बाद यहाँ पर मौजूद जितने भी करीब करीब सेंटर हैं वो इस वक्त बंद हैं। ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो पैसे वैसे भी लेते हैं? हाँ पैसे, बस जो पैसे देते उसको अंदर कर लेते हैं, जो नहीं देते उसको बाहर खड़ा कर देते। कितने पैसे लेते हैं?
हजार ले ले तो कोई हजार दे देता, कोई 2000 दे देता। जो पैसे देता उसको इंतजार नहीं करना पड़ता, नहीं। वो अंदर डायरेक्ट ही जाने सुनासी कार्ड वाले दफ्तर च ਉੱਥੇ ਜਾ ਫਿੰਗਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਮੇ ਦੇਖਤੇ ਦੇਖਤੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖਵਾਤੀਨ ਆ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਬ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖਵਾਤੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ आप भी यहाँ पे आई हैं? नहीं बेटा मैं आप नहीं आई हैं। आप आई हैं? हाँ जी मैं तो आई भी भाई यहाँ पैसे नहीं देते अंगूठा लगा लेते मुड़के ये कहते कि पैसे नहीं आए मेरे 9000 पे उन्होंने खा लिया था छवें महीने की आई थी एंड पे पैसे दिए थे 17000 उन्होंने 9000 मेरा खा लिया अभी बंदा क्यों कहे गरीबों को देना तो फिर ठीक से तो नहीं देना तो बंद आपका मतलब अंगूठा लगा लिया पैसे नहीं दिए नहीं जी नहीं मेरे पैसे आ चुके हैं नेट पे देखे उन्होंने क्या पैसे आ चुके हैं आपके बीबी आपके पैसे नहीं आए मुझे खा गए हाँ वो खा गए सुना है कि 1000-2000 रुपए लेते हैं हाँ ये लेते हैं अभी बंदा क्यों झूठ बोले हाँ। गरीबों को खा रहे तो ठीक से खाओ 1000-2000 किस चीज का लेते हैं वो अंदर पैसे तुम्हें मिल जाएंगे जाके मैं फौरन हाँ वरना ये बाहर ही पत्थरों पे बैठे हाँ, पत्थरों पे बैठे नहीं मिलते तो बुढ़ियों को धक्के मारते अभी कब से बंद है ये तो मैं आज आई हूँ तो मैं 7वें महीने में आना था नहीं आ सकी मजबूरी थी मेरी आई हूँ तो ये बंद कर दिया उन्होंने ये अभी इस पे 3 पत्थर है ये जब यहाँ पे रश होता है तो एक फर्द के हिस्से में एक ही आता है और इस अंदाज में खवातीन बैठ के यहाँ पे सारा सारा दिन घंटों इंतज़ार करेंगे और ये रोड देख लो और एक जगह नहीं है हर जगह यही है अगर हुकूमत ने फैसला किया ही है कि इनकी मदद करनी है तो अच्छे अंदाज में कर उनको बेचारों को जलील ना करें उनको बैंक में भेजें ATM के थ्रू पहले आते थे या पता नहीं फिंगर लगा के ATM से लेते थे सुना उसकी वजह से कोई मशीनें ख़राब हुई उसके बाद वो बैंक में आना बंद हो गए इनके ATM कार्ड दें इन्हें ये ATM कार्ड जाके स्वैप करें और वहाँ से लें ये देखें इस तरह से यहाँ पे बैठ के और ये पूरी लाइन लगी हुई है ये देखें ये पत्थर ये लगे हुए हैं कि यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और रोड के किनारे भिखारियों की तरह बिठा के हम आला हुकाम के सामने चीज़ें ला सकते हैं कि इस तरह से हो रहा ये अरबों रुपया लग रहा है तो उन्हें मिले भी जिनके लिए ये लग रहा है और अच्छे अंदाज में मिले ये देखें यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं किस तादाद में खवातीन आती होंगी और घंटों का इंतज़ार है बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते से जिन लोगों को टोकन मिले हैं अभी तक उनको पैसे नहीं मिले अभी साहब पता नहीं हमारा उनके दुकान बंद करके गए हैं या वैसे ही नहीं आए जो पिछले सेंटर में गए हैं तकरीबन वहाँ पे 1.5 घंटा मौजूद रहे और सिस्टम नहीं चला वहाँ पर 500 से ज़्यादा खवातीन थी यार दे नहीं रहे यार आप लोग पैसे नहीं दे रहे वो देखें वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे वो कह रहे हैं कि जिनको टोकन लगे वो बाहर खड़े हैं तो ये कौन सी है दिखाओ टोकन जरा हाथ ऊपर करो ये सारी टोकन वाली हैं ये कौन सी बाहर जो टोकन लगे हैं ठीक है सारी बाहर की जो कार्टून टोकन लगा गई वो गलत लगा गई कौन का टोकन है वो पता नहीं गल नहीं भाई मेरी बात सुन ये रोज कहंदे हैं जिन्हें सुबह सुबह टोकन लांदिया वो चलने अभी आन के लगवाए हैं सुबह ध्यान के लगवाए नहीं चलने वो देने ना वो टोकन कौन है हमें क्या पता वो कौन है वो आन के कहंदे हर बार आन के सी पागल है उन्होंने 2 बजे आके कह दिए हर रोज है हफ्ते बाद कौन है पता नहीं कौन है हमें क्या पता वो आपके हिस्से के वो लगा गई सुबह हम अपने खुद आग लगाते हैं ये सुबह खतूने लगाए हैं ये बाहर खड़ी हैं जो हमने सुबह आग लगाई वो क्यों आग लगा वो उसको पता हो गया जरूरत उससे पड़ी है जो 5-5 बजे से खवातीन बैठी हैं कौन 5 बजे तक बैठी है कौन बैठी है आप आए सुबह 5 बजे वो बुलाएं वो माजी को बुलाएं कौन आप बुलाए कितने बजे 5 बजे ये कह रहे क्या प्रूफ है इनके पास 5 बजे झूठ बोल रही हम झूठ बोल रहे हैं हाँ तो मुझे लग रहा क्या कैसे लग रहा है लोग जो है आपके पास क्या प्रूफ है वो सुबह 5 बजे गए कितने लोग हैं वो झूठ बोल रहे होंगे तो हम झूठ बोल रहे हैं सही बात है एक ही बंदा झूठ बोल सकता है कोई 50 लोग तो नहीं झूठ बोल सकते आप फिर आ जाए सुबह इधर आके ड्यूटी दे दे सुबह 5 बजे पता चल जाएगा कौन 5 बजे आती है कौन 6 बजे आती है कितने बजे आई है आप 5 बजे कह रही है झूठ बोल रहे हैं कौन कह रही उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं उन्होंने कोई 5 बजे नहीं आया आप बुलाए कह रहे नहीं आए वो आगे से हंस रहा है दादी की उम्र की है आपकी मैं सुबह 5:30 बजे आया हूँ नमाज पढ़ के फौरी इधर मुझे इधर कोई बेनिफिशियरी नज़र नहीं आई इसी तरह के मामला होते हैं नाज़रीन हर जगह सड़कों पे जलील करें भिखारी बना के जो है बेइज्जत करें जिल्लत अमेज सलूक है और उसके बाद घंटों के इंतज़ार के बाद दिनों के इंतज़ार के बाद आपको 8-9000 रुपया दे देंगे इससे ज़्यादा आपके चक्कर लग जाएंगे बच्चों के साथ लोग आए थे अस्सलाम वालेकुम पैसे लेने आएंगे हाँ जी
ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਫੜਫੜ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਨੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਹ ਖਲੋ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਕੇ ਕੋਲ सुबह दी आए हैं आप आप आपको मिल गए नहीं भाई किसी को नहीं मिले किसको मिले अभी तक किसी को मिले दो माह दे रहे हैं तो बच्चों के मैं इनका आप आए मैं आपको चेक कराता हूं हां मैंने आप पैसे आन देने की ऐसे इस हाल से दूर हो आन दे पकड़ो पकड़े आप चलो जा ये तो लाइट भी नहीं आ रही हैं यार भी लिपटियां को ले रहे उन्होंने दे जा रहे हैं ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪ ਯਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਆਪ ਯਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਈ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 8000 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੈਲੋ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ खबरें बता रही है ये आ रही है ये कह रही है कि मेरे फिंगरप्रिंट लगे हैं हां मेरे साथ शोरी डाल रही है कि जो है ना मेरे पैसे आपने ना निकाल लिए हैं मैंने बकायदा इन्हें का फिर सारा स्टेटमेंट दिखाया और आप आगे आगे खुद देख पर्ची बना ली थी थल्ले उस वक्त मेरे अंगूठे लगा के थल्ले करके तस्वीर लाई है हां जी इन्हें नु किसी ने पैसे दिए ने फिंगरप्रिंट लगे ने नहीं पैसे एक मिनट दिखाएं जरा कैसे पता लगता है यार ये क्यों शिकायतें कर रही है मैं देखें मैं बता मैं बता इतना रश लगाया इनको कैसे वो साथ दूसरा भाई ना छुट्टी दे दूसरा से मशीन एक है दो है एक ही होती है मशीन तो एक ही होगी एक ही होती है बंदे दो भी हो तो क्या होगा दो हेल्पर साथ में भाई होता है ना साथ में ये देखें यही आईडी कार्ड इनका आप इधर अकेले जी आप आज हेल्पर है भाई आज छुट्टी लेना ये देखें कार्टून बता रहे पैसे लेने नहीं वो से सारे ये देखें आप ही नाम पढ़ लें 9000 रुपए नाम पढ़ के इन्हें बताया ना मैंने 13 फौजिया ताहिरा और इनकी अमाउंट पड़ी ये 9000 पड़ा हुआ ना हाँ जी 9000 इनका पड़ा हुआ तो देना इनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे ये देखो दोबारा लगा तो हाय जरा मैंने गाइड किया हाँ आ तो गया ये देखिए अभी देखिए ना ये मुकम्मल नहीं है ना पर उससे जरूरत है प्रोवाइड फिंगरप्रिंट डज नॉट मैच विद अदर कॉल आईडी कार्ड पे आया है इनका अंगूठा साथ इनका तो इनके अंगूठे हां दूसरा अंगूठा देख दूसरा लगा के देख ले मैंने हाँ। तीन चार दफा नेक्स्ट पहले भी कोशिश की है इनकी ठीक है तो इनका यही मसला आ रहा था मैंने इन्हें बोला कि माँ जी आपका ना मसला ये बन रहा तो ये माँ जी और ना समझ लगे उल्टा मेरी बात है सुबह से जो खड़ा हुआ बस वो हम भी इनके लिए ही खड़े होते हैं हम कौन सा कुछ नहीं वही कह रही है देखे ना इनकी अब लिमिट पूरी हो चुकी है क्या मतलब लिमिट पूरी मैं आपको समझा देता हूं भाई ये आईडी कार्ड अपना यहां पे आप लोगों ने टोकन चुको नहीं लगाए हुए एक मिनट मुझे देखने दो क्या नाम आपका फौजिया ताहिरा नाम है अभी आपके पैसे ट्रांजैक्शन हो गया दो मुझे कार्ड हो गया इसकी पर्ची इनके पेमेंट हो यार अब हो गई है अब हो गया हां जी हम आए थे इनकी पेमेंट देख लो कि अभी हुआ है मेरी बात सुन लो हम
ये इतनी अभी तो कुछ नहीं है, चली गई है, आपकी आने की ऑनर है, आपको बता दो बच्चे मेरी बात सुनो, 6 बजे के आई, हमने तो नहीं बोला आपको 6 बजे, 9 बजे सिस्टम चलता है, वो भी 10 बजे जाके सिस्टम चलता है, उनके पैसे देते हैं, अब इनके हो गए पर्ची, सुबह 6 बजे पहले, 1 मिनट पहले हुआ था, हाँ जी, तो पहले नहीं निकल सके, तो बायोमेट्रिक शो नहीं हो रहा इनका, अभी हो गया, हो गया, तो पैसे दे दिए, क्या वजह है, मतलब हो जाता है ट्रांजैक्शन में, ये इनका ना मशीन में पीछे से मामलात हो जाते हैं, ये बैंक का होता है हमारा, ये सिर्फ इनकी नहीं, इनकी और लोगों की भी है, और लोगों का भी यही मामला है कि इस तरह नहीं, वो लाइन से ही देखेंगे अब जिनकी, अल्हम्दुलिल्लाह जो औरतें ले जाती है ना पैसे, ठीक है ना, आप उनसे पूछा करें, आपको कितने पैसे मिले हैं, तेरी खतून ने कहा मुझे, मुझे उनके बारे में बता, कौन सी, हाँ जी भाजी बताए, हमने यहाँ की बात करनी, यहाँ मेरी बात सुन ली, इधर से लेके किसको दे, किसको दे के गई, मेरी आप छोटी सी बात सुन ले, मेरी यहाँ की बात है, बाहर जाके काले चोर को भी दे दे, हमें नहीं पता उस चीज का, ये खतून आपके साथ है? कौन सी, मेरे, मैं तो ये जो खतून है वो नहीं हमारे साथ, तो वो कह रही है कि मैं ना पैसे लेने आई हूँ, मैं वैसे खड़ी हूँ, वो कह रही है थोड़ा बहुत काम करती है बस, करके चली जाती है, बस ये झूठ तो नहीं बोल रहा, ना मेरी वो रिश्तेदार, मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया, मेरे भाईजान हमने 1 रुपया नहीं लिया कभी किसी से, दें दें, तुसी कदों से आए हो सुबह, मैं सुबह 6 बजे से, ये सारी जम जिनको पूछोगे ना, उन्हें कहना मैं 5 बजे आई हूँ, मैं 6 बजे आई हूँ, ये लाइनें लगी, ऐसा काम हुआ सुबह दुकान खोली है, 1 मिनट खामोश हो जो, सुबह दुकान खोली है, एकदम से चप्पल लगा के अंदर आ गई सारी, अब इनको हाथ लगा के बाहर निकाले तो कहती है आप मुझे हाथ लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये इनको ये नहीं ख्याल होता कि हमारा भी ख्याल करें, तो ये अपनी जगह पे सही होती है, हम भी अपनी जगह पे सही हैं, जो ये एजेंट्स हैं ये क्यों पैसे ले जाते हैं, ये हमें तीसरा चौथा सेंटर है, क्या बात है, कोई खतून बाहर जो है वो कहती है कि तुम्हें खुलवाना नहीं पड़ेगा, तो फौरन करा देने हैं, हमारे पास कोई खतून नहीं है, हमारे पास कोई खतून नहीं है, उन पे तो वो इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो तो कह रही मैं यहाँ पे लेने वाली हूं, औरत जात जो है ना जिनको पैसे मिल जाते हैं वो तो खुश होकर चली जाती है, जिनको नहीं ना मिलते वो सोशल इल्जाम लगा के जाती है, ये तो गालियां तक खाते हैं, फिर भी मुझे डेंगी है, मैं फिर भी इनके लिए यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी लाइट सुबह की गई हुई है, आप हमारे लिए भाई से इज्जत है, ओनर है आप हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मशीन ओनर करेंगी, मशीन एक ही होती है यार, इनके हो गए ना, इनको जरा पे करवा दो, नाज़रीन ये मामलात हैं, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, हबस से बुरा हाल है, खातून के दरमियान में रास्ता ही नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है, और वो बता रहा है कि एक यहाँ पे शख्स मौजूद है जिसने इन तमाम को, अंदर तो सांस लेने की जगह नहीं है, वो खातून अब गायब हो गई हैं, बता रहे हैं कि वो बाहर जो है वो 1000-1000 रुपया लोगों से ले के कोई अंदर कुछ वल्लाह वालम क्या मामला है, अब हर जिस भी सेंटर हम गए हैं वो यही मामला था, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग इनके ताल्लुक वाले आते हैं, कुछ लोग पैसे दे के अंदर चले जाते हैं, बाकी लोगों को इसी तरह लाइन में लग के ख्वार होना पड़ता है, अभी वो एक खातून का अंगूठा नहीं आ रहा था, हमने ट्राई किया तो वो आ गया, अगर तो किसी गरीब की मदद करनी है, अगर हुकूमत ने कोई फैसला कर ही लिया, पैसे खर्च नहीं है तो खुदा का वास्ता अच्छे अंदाज में खर्च कर लें, उनको बिल में रिलीफ दे दें, अगर बिजली का बिल घर आ सकता है तो ये पैसे भी घर पहुँचाएँ, ये कौन सा तरीका है, आप पीछे देखें कि मेरा ख्याल है कि शरई फासला नहीं है, अब साथ मर्द हजरात भी हैं, खवातीन भी हैं, सांस लेने की जगह नहीं है, फ़कीरों की तरह बाहर बैठाया हुआ है, यहाँ पर तो चलो सारी खवातीन खड़ी हुई है, देखें ये उसी तरह की सीट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं कि बैठे इन पर रोड पर बैठे, वो अम्मा जी बैठी हुई हैं, आप 1 मिनट के लिए सिर्फ ये सोचें कि आपका कोई फैमिली मेम्बर इस अंदाज में अगर कि उसको जलालत का सामना करना पड़े, और 8-9 हज़ार रुपये के लिए बता रहे हैं कि 3 माह बाद 9 हज़ार रुपये आना है, यहाँ पे हफ्ता हफ्ता चक्कर लगाते हैं, बच्चों को साथ लाकर पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद जो है जी पैसे नहीं मिल रहे, कि जी आपका अंगूठा नहीं आ रहा, आपका ब्लॉक हो गया, आपका ये हो गया, वो हो गया, 5-5 हज़ार रुपये वो किराया लगाए थे आने जाने का, और उसके बाद उनको 8 या 9 हज़ार रुपये दे रहे हैं इतनी जलील करके, जलालत अलग, खवारी अलग, और बच्चों को लेके वो खवातीन खड़ी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हरासमेंट है वो मैं उसका क्या कह सकता हूँ कि अब रश इतना है कि मैं इस बारे में अब क्या बात करूँ, और हर जगह एक मशीन दी हुई है, 500-500 खवातीन सुबह फजर के टाइम की आई हुई है,
ये मामलात हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हो रही। खुदा का वास्ता है इसके बारे में जो आला हुकाम है वो देखें, पैसे जा रहे हैं अच्छे अंदाज में जाने चाहिए। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अमदा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।